सो गाइस फाइनली KTM की RC 200 के अंदर भी मोस्ट अवेटेड ब्लू कलर अब आ चुका है, जो KTM की ड्यूक 390 2024 मॉडल के अंदर आया था, वहीं एग्जैक्टली सेम ब्लू कलर अब RC 200 के अंदर भी आ गया है। सो क्या बाइक का प्राइस है, कैसे बाइक के अंदर फीचर्स हैं, कलर स्कीम कैसी है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो इस बाइक के अंदर ट्रिपल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन दी गई है, क्योंकि ऑरेंज कलर के लोविल्स हैं, ऑरेंज कलर की इसके अंदर यहाँ पे ग्राफिक्स दिए गए हैं, स्ट्रिप्स दी गई हैं, यहाँ पे वाइट कलर भी है, यहाँ पे ब्लू कलर दिया गया है जो ग्लोसी स्पार्कलिंग ब्लू कलर है, और मैट ब्लू कलर भी है। सो ट्रिपल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन यार बाइक को काफ़ी अच्छा लुक दे रही है और काफ़ी अच्छे से एनहेंस हो रहे हैं यार, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और इस कलर के अंदर बाइक मुझे तो यार पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सो करेंटली इसका इंडियन टूलर मार्केट में अभी एक्चुअल प्राइस है 218,000 रुपये, 218,000, और ऑन रोड प्राइस 252,000, 252,000 के आसपास दिल्ली में है अभी इसका। लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में ब्लैक कलर का इसके अंदर वाइजर दिया गया है, काफ़ी बड़ा वाइजर है, और इसी के अंदर इन बिल्ट कह सकते हैं या इंटीग्रेटेड कह सकते हैं LED हेडलाइट का सेटअप दिया गया है, और LED हेडलाइट भी इसके अंदर यार काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, अच्छी लग रही है। सो ऑल LED लाइट्स का बाइक के अंदर सेटअप आपको मिल जाएगा। LED इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यानी कि जो LED इंडिकेटर्स हैं, LED हेडलाइट है, और जो वाइजर है, ये पूरा का पूरा एक यूनिट दी है KTM ने, और इसके अंदर DRLs का डिज़ाइन भी यार काफ़ी अच्छा दिया गया है जो दोनों तरफ से यहाँ पे हैं, और LED हेडलाइट जब ऑन होती है तो लुक फ्रंट से काफ़ी अच्छे आते हैं। यहाँ पे आपको KTM की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी छोटी सी है वैसे तो, और साइड में ये वाली फेयरिंग अगर आप देखोगे तो ये ग्लोसी ब्लू कलर के अंदर है, जो थोड़ा स्पार्कल्स के साथ में फिनिशिंग में कलर दिया गया है, और यहाँ पे फेयरिंग में आप देखोगे तो ये जो फेयरिंग है ये ब्लैक कलर की फेयरिंग दी गई है, जो पियानो ब्लैक कलर है, और यहाँ पे ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स हैं, लेकिन उसके ऊपर ये मेहरून कलर की स्ट्रिप दी गई है, और उसकी वजह से फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पे आपको 200 रेडी टू वेस्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। सो ये जो ऊपर वाली फेयरिंग है उसको आगे से लेके और यहाँ तक हाफ फ्यूल टैंक तक ग्लोसी ब्लू कलर है। यहाँ पे KTM की बैजिंग है जो ऑरेंज कलर में दी गई है, और यहाँ पे RC की बैजिंग है जो ऑरेंज कलर के अंदर है, लेकिन ये जो हाफ फ्यूल टैंक का पीछे वाला जो पार्ट है ये मैट ब्लू कलर की फिनिशिंग के साथ में दिया गया है। यहाँ पे भी आपको मैट ब्लू कलर की फिनिशिंग मिलेगी, और जो पीछे वाली चेसी है बाइक की वो ऑरेंज कलर की दी गई है। बाइक स्टील ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड है विद बोल्ट ऑन सब फ्रेम, और सब फ्रेम इसकी आपको ऑरेंज कलर की देखने को मिलेगी, और आगे वाली जो चेसी है वो ब्लैक कलर की दी गई है, और जो ये पीछे वाला पार्ट है इसके ऊपर भी ग्लोसी ब्लू कलर है जो स्पार्कल्स की फिनिशिंग के साथ में दिया गया है, लेकिन जो ग्रैब रेल्स हैं ये आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलेंगे, और स्प्लिट टाइप की सीट दी गई बाइक में। जो राइडर की सीट है इसकी कुशनिंग उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये फुल्ली फेड स्पोर्ट्स टाइप की बाइक है, इसके अंदर जो सीट्स की फिनिशिंग होती है वो कुछ ऐसे ही देखने को मिलती है, और जो पिलियन सीट है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दी गई है, यानी कि पिलियन फर्स्ट फ्लोर पर बैठेगा, लेकिन सीट की कुशनिंग डिसेंट है, पिलियन आपके साथ सिटी में थोड़ा बहुत राइड कर सकता है। बाइक में 17 इंच के ऑरेंज कलर के लो व्हील्स हैं, लेकिन जो डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, 320mm की काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक है, और 390 RC के अंदर जो डिस्क ब्रेक आती थी लाइट वेट वाली, वही सेम डिस्क ब्रेक बाइक के अंदर दी गई है, और जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी वही सेम लाइट वेट अलॉय व्हील्स हैं जो RC 390 के अंदर आते हैं, और बाइब्री का ब्रेक कैलिपर बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। वाइट पावर एपेक्स, ब्लैक कलर के प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं बाइक के अंदर। जो फ्रंट फेंडर है उसके ऊपर मैट ब्लैक कलर दिया गया है। सस्पेंशन की फिनिशिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी आ रही है ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में, और इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम बाइक के अंदर दिया गया है। इंजन बाइक के अंदर वही सेम है, 199.5 cc का लिक्विड कूल 6-speed ट्रांसमिशन वाला DOHC इंजन है, जिसकी पावर 25 PS की है, और 19.2 Nm के आसपास का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। 6-speed गियरबॉक्स बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा, और काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड इंजन है यार, पहले के मुकाबले KTM के इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, काफ़ी रिफाइंड हो गए हैं, और आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी एक बार सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही धांसू एग्जॉस्ट सिस्टम है यार, मतलब एग्जॉस्ट नोट बहुत ही प्यारा लगा, बेस काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बाइक के डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 156mm का है, एक फुल्ली फेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स के अकॉर्डिंग इतना ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट होता है, क्योंकि यार स्पोर्ट्स बाइक के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन सीट हाइट बाइक की काफ़ी ज़्यादा है। इसकी सीट हाइट आपको 835mm के आसपास मिल जाएगी, यानी कि अगर आपकी हाइट 5'5" से कम है, कम अगर आपकी हाइट है, तो इसको राइड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाइक का वेट काफ़ी सही है, 160 kg इसका वेट है, बहुत ज़्यादा भी वेट बाइक का नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट वेट है, लेकिन पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो बाइक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फुल टैंक कैपेसिटी 13.7 liters की है। एक बार फुल टैंक को फुल कराने के बाद 400 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। अब रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो बाइक के अंदर 150 सेक्शन का काफ़ी बड़ा टायर दिया गया है पीछे, 17 इंच का अलॉय व्हील है, 230mm की डिस्क ब्रेक है, बाइब्री का ब्रेक कैलिपर दिया गया है, आपको इसके अंदर एक रियर टायर हगर मिल जाएगा, पीछे इसके अंदर LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, LED टेल लाइट मिल जाएगी, और LED टेल लाइट के लुक्स कुछ ऐसे आएंगे जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो।
काफ़ी अच्छी लगती है यार, काफ़ी एग्रेसिव एरोडायनेमिक्स बाइक यार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि एक फुली फेट स्पोर्ट्स टाइप की बाइक के अंदर एरोडायनेमिक्स ही काफ़ी अच्छे होने चाहिए, और इसी वजह से इनिशियल एक्सेलेरेशन पिकअप बाइक का बहुत अच्छा है। और बाइक में अब अपडेटेड न्यूली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आ चुका है, LCD डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको KTM की बैजिंग मिल जाएंगी, और दो बटन दिए गए हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की फीचर्स को अपडेट करने के लिए। इसके अंदर आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, एवरेज स्पीड 102, सुपर मोटो ABS मिल जाएगा, यानी कि जो रियर व्हील का ABS है उसको आप ऑफ कर सकते हो। लो फ्यूल इंडिकेटर आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपको बाइक के अंदर टाइम भी मिल जाएगा। और यहाँ पे इंजन मोल फंक्शन, ABS का इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, फुली फेट स्पोर्ट्स टाइप की बाइक है तो इसके अंदर आपको क्लिप ऑन टाइप का हैंडल बार भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से बाइक को राइड करने में यार कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा आता है, और इसी वजह से बाइक की जो लीन करने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्विच गियर्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यार बिल्ड क्वालिटी स्विच गियर्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी है, और यहाँ पे आपको बजाज की बाइक्स के जैसे देखने को मिलता है ना बिल्कुल वैसे ही लाइट्स देखने को मिल जाती है। हाई बीम लो बीम आपको मिल जाएगी, आगे एक पासिंग लाइट का स्विच मिल जाएगा, इंडिकेटर्स का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न बटन है, और राइट साइड में इंजन किल स्विच है, और सेल्फ स्टार्ट बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको WP की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के बारे में बात करें तो बाइक में आपको असिस्टेंट शिफ्ट क्लच मिल जाएगी, डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, और सुपर मोटो ABS भी मिल जाएगा, यानी कि रियर व्हील वाले ABS को आप ऑफ भी कर सकते हो। ये फीचर आपको 200cc सेगमेंट में और किसी भी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक फुली फेट स्पोर्ट्स टाइप की बाइक लेनी है और आपका बजट 2.5 लाख रुपए के आसपास का है तो इस बाइक को आप कंसीडर कर सकते हो। इसी प्राइस के आसपास में अभी यामा की R15 V4 भी आ रही है, वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, उसके साथ भी आप जा सकते हो। लेकिन दोनों बाइक्स की यार अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि अलग अलग पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अलग अलग नेगेटिव पॉइंट हैं। अगर आपको KTM की बाइक लेनी है तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल्स ऑल इन KTM RC 200 ब्लू कलर के बारे में। ब्लू कलर आपको देखने में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।